अंतरिक्ष में भारत ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च कर दिया है। इस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। विक्रम एस की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। ये देश के स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। रॉकेट का नाम विक्रम एस भारत के महान वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अब भारत का नाम उन देशों के साथ जुड़ गया है जो प्राइवेट कंपनियों के रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं। इस मिशन में दो घरेलू और एक विदेशी ग्राहक के तीन पेलोड को ले जाया गया है। रॉकेट को कम बजट में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। सस्ती लॉन्चिंग के लिए इसके ईंधन में बदलाव किया गया है। इस लॉन्चिंग में आम ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है। ये ईंधन किफायती होने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भी है। 6 मीटर लंबा यह रॉकेट दुनिया के पहले कुछ ऐसे रॉकेट में शामिल है जिसमें घुमाव की स्थिरता के लिए 3D प्रिंटेड ठोस प्रक्षेपक हैं। देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस का वजन 500 से 550 किलोग्राम है। यह एक सब ऑर्बिटल लॉन्च रॉकेट है। विक्रम एस दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर्स लगे हैं। इनका काम स्पिन कैपेबिलिटी को संभालना है। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट, सिर्फ पब्लिक फर्स्ट पर। ऐसी ही रोचक जानकारी और न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें पब्लिक फर्स्ट को। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।